बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन की सीरीज़ जो है वो आपके सामने है और आज जो है वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के और फ्रैक्शंस जो हैं वो हम करेंगे और फिर ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आएंगे। दो तरह के क्वेश्चंस आपके सामने गिवन हैं और ये तीन फ्रैक्शंस वाले हैं, आइए इसको करते हैं। अच्छा, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस गिवन होंगे आपने सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, उसके बाद आप दो कोई भी फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें चाहे इन दोनों को ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शुरू के दो को ब्रैकेट में ले लेती हूँ। ब्रैकेट में लेने का ये फायदा होता है कि आप जो ब्रैकेट में होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर थर्ड वाले फ्रैक्शन के साथ लेकर फिर सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस में जो है वो सिंप्लीफिकेशन होगी। चेक करते हैं हम क्रॉस में कौन कौन से नंबर्स हैं, टू है और फोर है। ये नंबर में आ रहा है टू के टेबल में, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर। थ्री और सिक्स थ्री के टेबल में आ रहा है, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर अपॉन वन। ठीक, अब आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट खत्म, मल्टीप्लीकेशन का साइन थ्री अपॉन टू। अब थ्री और वन तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकते, टू और फोर अलबत्त कैंसिल हो सकते हैं, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू टू थ्री ज़ा सिक्स अपॉन वन, वन वन वन। अब नीचे जो वन है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये सिक्स जो है वो हमारा आंसर होगा। तीन आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को हम नॉर्मल फ्रैक्शंस में लेके आते हैं। सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी अपॉन सेवन, फिर मल्टीप्लाई फाइव टू ज़ा टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व अपॉन फाइव, मल्टीप्लाई साइन फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व प्लस थ्री 15 अपॉन 4। तो अब आप इसको ब्रैकेट दे दें, कोई से भी दो फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में कर लें और फिर उनको सॉल्व करें। पर आप देख सकते हैं 5 और 15 है और 4 और 12 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, तो 3 थ्री ज़ा 9, 1 वन ज़ा 1, 9 अपॉन 1। क्रॉस में तो 7 और 9 जो है वो किसी एक टेबल में नहीं आते, 50 और 1 है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो आप डायरेक्ट ऊपर के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। 9 0 0, 9 5 45 अपॉन 7 1 7। जब आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो, तो आप इसको करेंगे डिवाइड और जो आंसर आएगा वो आपका फ्रैक्शंस में लिखा जाएगा। अब ये हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में आ रहा है 64.2, 64.2 जो है वो आपका आंसर होगा।